हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते सोडा स्वागत है। अज 2 जुलाई है ते आपां रेडी हां अपने करंट अफेयर्स सेशन दे नाल। करंट अफेयर्स सेशन जो कि इंपोर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम्स। स्टार्ट करेंगे सेशन, सब तो पहले सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सेशन नू शेयर करना स्टार्ट करो। इस तो इलावा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन नू डाउनलोड कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ है। चैनल नू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर। स्टार्ट करांगे सेशन, सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ नू डिस्कस करांगे जिन्हां नू कल दे सेशन दे विच डिस्कस किया सी, उन्हां दी रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू एमसीक्यू फॉर्म दे विच ही डिस्कस करांगे। 30 जून इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून नू ऑब्जर्व किया गया टू कमेमोरेट फाउंडेशन ऑफ इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन। 1899 दे विच IPU बनाया गया सी। इस दिन ये पहली बार 2018 दे विच ऑब्जर्व किया गया सी और इसकी थीम रही है आई से यस टू यूथ इन पार्लियामेंट। अंशुला राव मध्य प्रदेश तो बिलोंग करते हैं, 4 साल के लिए बैन किए गए ने नाडा द्वारा, नैशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी नाडा द्वारा 4 साल के लिए बैन किए गए ने। क्रिकेटर ने इतने बाय मिस्टेक लिखना रह गया, अंशुला राव किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, वूमेन क्रिकेटर ने, याद रखेंगे। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग किन्नी रही है, 10वें नंबर पर रहे, याद रखांगे। इसनों टॉप किया USA ने, UK और साउदी अरेबिया 2रे नंबर पर रहे ने, इस्टोनिया इस दे विच 3रे नंबर पर रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है जो इशू करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1 तो लैके 10 जुलाई तक। एक्सिस बैंक अमेजोन वैब सर्विसिज की शुरुआत की है, सिलेक्ट किया है टू एक्सेलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा पार्टनरशिप की गई है डिजिटल लेंडर लॉन टैप डिजिटल लेंडर के नाल, ताकि सैलरीड प्रोफेशनल्स नू परसनल लोन प्रोवाइड किए जा सके। इंडियन नेवी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाल एग्रीमेंट साइन किया है ज्वाइंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन फोरम दे। एम्स दिल्ली इंडिया दे बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस दे विचों पहले नंबर पर है। अगर वर्ल्ड लेवल की गल करते हैं तो टॉप 100 दे विचों यह 23वें नंबर पर है। सिमरनजीत कौर गौरव सोलंकी और सोनिया चहल नॉमीनेट किए गए ने अर्जुन अवार्ड के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। शंभूनाथ श्रीवास्तव इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर जज सिगे, चेयरमैन बनाए गए ने इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन दे, ठीक है, किसनों रिप्लेस करके, मुकुल संगमा नू रिप्लेस कर। उषा नेटसन अपॉइंट किए गए ने डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च बालाजी श्रीवास्तव एडिशनल चार्ज दिता गया इन्हों कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर का। के विजय राघवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने, इन्होंने आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन की शुरुआत की है, कृषि एप्लीकेशन जो कि 12 लैंग्वेजेस दे विच अवेलेबल करवाई गई है। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO ने 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है 30 जून 2022 तक दे। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा नेशनल ऑटोमोबाइल टेस्ट ट्रैक एक हाई स्पीड ट्रैक है इंदौर दे विच बनाई गई है, जो कि अपने तरीके की सब तो लंबी ट्रैक है।
एशिया ने। इंडिया इज़ होल्डिंग नेवी एक्सरसाइज, इंडिया नेवी एक्सरसाइज साउथ कोरिया के नाल कंडक्ट कर रहे हैं जिस दे विच INS किल्टन वालों पार्टीसीपेट किया गया। ग्रीस, ग्रीस ने सोलर अलायंस दे लई इंटरनेशनल सोलर अलायंस दे लई एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया दे नाल ऑन द विजिट ऑफ एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्टर। इंडिया दे एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्टर ग्रीस दी विजिट ते सिगे उत्थे इन्होंने एग्रीमेंट साइन करया इंटरनेशनल सोलर अलायंस दे। इंडिया कमिट्स 4500 करोड़ इंडिया प्रोवाइड करेगा भूटान नू, भूटान नू इंडिया 4500 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा भूटान दे 12th 5-year plan दे। वर्ल्ड बिगेस्ट मोबाइल इवेंट, वर्ल्ड दा जो सब तो बिगेस्ट मोबाइल इवेंट है कीड़ा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इसनू ऑर्गेनाइज किया गया बार्सिलोना स्पेन दे विच। मीटिंग है, एक इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया बार्सिलोना स्पेन दे विच। इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 2006, पहली बार 2006 दे विच स्टार्ट किया गया सी और 2021 दा इवेंट होस्ट किया गया सैमसंग द्वारा इसनू होस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश विल सून हैव 5 international airports, जल्दी ही उत्तर प्रदेश दे विच 5 international airports होंगे। केड़े-केड़े? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस तो इलावा लखनऊ एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट और खुशीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली मेट्रो द्वारा आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता गया दिल्ली द्वारा। किसनू दिता गया है? जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा यह अवार्ड दिता गया 2020 दे लई दिल्ली मेट्रो। बुरमीज ग्रेप्स जिसनू लैतैकू के नाम लेना, लोकल लैंग्वेज दे विच लैतैकू कहा जाता है, गुवाहाटी असम तो शिफ्ट किए जाएंगे दुबई दे लई, गुवाहाटी असम तो एक्सपोर्ट किए जाएंगे दुबई दे। उत्तराखंड द्वारा इंडिया का फर्स्ट भारत वाटिका ओपन किया गया हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट दे विच, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट दे विच की ओपन किया गया भारत वाटिका जिस दे अंडर डिफरेंट स्पीसीज दे ट्रीज रखे गए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर लखनऊ यूपी दे विच ओपन किया जाए, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 29 जून नू रखा गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन एक अखबार शुरू होया सी समता अखबार 1928 दे विच इसी दिन ओपन किया गया सी, शुरू किया गया सी 29 जून 1928 दे विच किन्हां द्वारा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा। ठीक है जी, सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। चलते हैं नैक्सट पोर्शन दे वल, नैक्सट पोर्शन दे विच स्टैटिक पोर्शन दे विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तेलंगाना दे विच कवाल, पखाल, मंजीरा और पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कवाल, पखाल, मंजीरा और पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा दे विच गुमती रोवा और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा दे विच। यूपी दे विच हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड दे विच बीनसर, मलन, नंदौड़, मसूरी और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने, बीनसर, मलन, नंदौर, मसूरी और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड दे विच। वेस्ट बंगाल दे विच रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल दे विच। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज नैशनल डॉक्टर्स डे, आज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नैशनल डॉक्टर्स डे यह किस दिन ऑब्जर्व किया गया? नैशनल डॉक्टर्स डे कल दे दिन फर्स्ट जुलाई नू नैशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी,
1st July is observed as National Doctors Day. It is observed to mark birth anniversary of Dr. B.C. Roy. Dr. B.C. Roy ने जेड़े इना दी birth और death anniversary, अगर आप गल करिए वैसे coincidentally इना दी birth anniversary और death anniversary इको ही तरीक नू है 1st July नू, ठीक है जी। इन्हों की डैथ एनीवर्सरी या बर्थ एनीवर्सरी ऑबजर्व करने के लिए नैशनल डॉक्टर्स डे ऑबजर्व किया जाता है। ही ऑलसो वॉन भारत रत्न इन 1961, इन्होंने भारत रत्न भी जितया हुआ 1961 के, ठीक है जी। इस तो अलावा यह पॉलिटिशियन रह चुके हैं, वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 30 June को ऑबजर्व किया गया, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 30 June। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे 30 June, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे भी 30 June नू ऑब्जर्व किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा GST लॉन्च किया गया सी 1 July 2017, इसकी भी कह सकते एक एनीवर्सरी है जो GST दी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंपॉर्टेंट बनेगा इकोनॉमिक दे परस्पेक्टिव दे उत्ते। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि 1 July 2017 के शुरू किया गया सी, 2017 रात नू कहांगे मिडनाइट इसकी शुरुआत की गई सी GST दी, इंपॉर्टेंट बनेगा याद रख। प्रेसिडेंट द्वारा लागू किया गया सी। इस तो इलावा गल करते हैं 10 मैं नहीं दस रहा अमेंडमेंट दसनी है किन्नवे नंबर की, GST के लिए अमेंडमेंट किन्नवे नंबर की है और बिल किन्नवे नंबर का है, ये दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट किन्नवे नंबर की है या कहांगे हाँ यही कहांगे कि अमेंडमेंट किन्नवे नंबर की है, या दूसरा क्वेश्चन कि यह बिल है जो यह किन्नवे नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंसड क्रेस्ट की है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग, एक रिसर्च सेंटर अनाउंस किया गया किस IIT द्वारा, किस IIT द्वारा इसनों बनाया गया है, टू प्रोवाइड अकेडमिक एंड थॉट लीडरशिप इन इनोवेशन एंटरप्रीनरशिप एंड रिस्क कैपिटल। तो इसनों किस द्वारा बनाया गया, IIT मद्रास द्वारा इसनों बनाया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा जिन्ने बाकी ऑप्शनस ने इना रिलेटड न्यूज़ आप भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और तुसी सोडे तो भी मैं काफ़ी बार पूछ चुके हैं, इस करके दोबारा रिवाइज नहीं करा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड अ USD 500 million 500 million का लोन प्रोग्राम किसने अप्रूव किया है, टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास टू ओवरकम द करंट पेंडेमिक डिस्ट्रेस। बेसिकली कोविड 19 के दौरान की होया कि जड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां ने उन्हों का बिजनेस भी लॉस्ट गया, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर काफ़ी बड़िया कंपनियां ने उन्हों का बिजनेस लॉस्ट गया है, तो जेड़े इनफॉर्मल वर्कर जेड़े कि मजदूर श्रेणी है, लेबर क्लास आ गई जी, ओह भी घाटे च गई है, ठीक है। उन्हों का कम चला गया, उन्होंने कम नहीं मिलया, इस करके डिस्ट्रेस करके सुसाइड रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मैंटल टेंशन के केसिस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसी दे लई सपोर्ट करन दे लई इनफॉर्मल वर्किंग क्लास मजदूरों नू सपोर्ट करन दे लई 500 मिलियन का लोन दिता गया इंडिया नू। 500 मिलियन का लोन किस बैंक ने दिता है, तो वर्ल्ड बैंक ने दिता है, ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक की अगर आप गल करिए, वर्ल्ड बैंक 1945 के बनाया गया सी, वाशिंगटन DC के हैडक्वाटर है। डेविड मलपास इसके हैड ने, किन्नवे नंबर के हैड ने, 13वें नंबर के हैड ने, कितों बिलोंग करते हैं, USA तो बिलोंग करते, ठीक है जी। अगर आप गल करते हैं कि कहें वर्ल्ड बैंक रीसेंटली इंडिया नू डिफरेंट चीज़ों के लिए लोन दे रहा है। आप काफ़ी लोन डिस्कस किए थे आंध्र प्रदेश के रिलेटेड, आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया साल्ट प्रोग्राम के लिए लोन, और भी डिफरेंट स्टेट्स नू, वैसट बंगाल के लिए डिस्कस किया, कोलकाता वैसट बंगाल नू दिता गया सी, ठीक है। तो जिन्हें भी लोन प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक द्वारा रीसेंटली दिते गए हैं, पंजाब नू भी दिता गया सी, ठीक है। तो उन्होंने सिंपली याद रखना है अमाउंट किन्ने का लोन है, किहड़ी स्टेट नू है और किस परपज दे लई, ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक द्वारा किन्नी अमाउंट दिती गई, किहड़ी स्टेट नू दिती गई और किन्नी परपज़ दे लई दिती गई, ठीक है।
चीज़ा याद रखनिया ने इंपोर्टेंट बनगियाँ सारी न्यूज़ आप डिस्कस की हुई ने चाहो तो इसकी एक लिस्ट बना ली। नेक्स्ट है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स परसन न्यूज़ के लिए जिस दे एक ने अभिमन्यु मिश्रा किस स्पोर्ट्स तो रिलेटड ने यह चैस तो रिलेटड चैस प्लेयर ने अभिमन्यु मिश्रा न्यूज़ के क्यों ने डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंडियन अमेरिकन ने इंडियन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट एवर चैस ग्रैंड मास्टर बने ने वर्ल्ड दे यंगेस्ट चैस ग्रैंड मास्टर बने ने क्योंकि इन्हों की एज सिर्फ 12 साल 4 महीने इंडियन अमेरिकन ने इस करके नाम इंपोर्टेंट रहेगा अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है ही ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ रशियन प्लेयर सर्जे कैर्जाकिन 12 साल 7 महीने दे इना पहले रिकॉर्ड सेगा रशिया दे प्लेयर दे लवे हुण इंडियन अमेरिकन प्लेयर लवे है अभिमन्यु मिश्रा वो 12 साल 7 महीने दे विच बने सी ए 12 साल 4 महीने दी एज दे विच बनाए गए। निहाल सरीन केरला दे निहाल सरीन द्वारा यह भी चैस तो बिलोंग करते हैं सिल्वर लेक ओपन चैस टूरनामेंट जितया गया। सिल्वर लेक ओपन चैस टूरनामेंट कितने ऑर्गेनाइज किया गया सर्बिया दे विच किसने जितया निहाल सरीन ने जितया ये किस स्टेट तो बिलोंग करते हैं केरला तो बिलोंग करते। डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया डिस्कस थ्रोअर ने जिहड़े सीमा पुनिया ने इन्होंने गोल्ड मैडल जितया इन्होंने गोल्ड मैडल जितया नैशनल इंटर स्टेट एथलैटिक्स चैंपियनशिप दे विच आपां डिस्कस किया नैशनल इंटर स्टेट एथलैटिक्स चैंपियनशिप कित्थे ऑर्गेनाइज की जा रही थी यह पटियाला दे विच ऑर्गेनाइज की जा रही थी उत्थे गोल्ड मैडल जितया डिस्कस थ्रो दे विच और इसी दे नाल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स दे लई क्वालीफाई कर लिया। अदिति अशोक की गल करते हैं यह कौन ने यह गोल्फ तो बिलोंग करते हैं पिछले साल स्पोर्ट्स अवार्ड के इन्हों अवार्ड भी दिता गया सी अर्जुन अवार्ड इंपोर्टेंट बनेगा। अच्छा अर्जुन अवार्ड की ही गल करते हैं अर्जुन अवार्ड के प्राइज मनी कल पूछी सी मैंने किसी ने कमेंट बॉक्स में नहीं दसी 15 लाख कर दी गई 15 लाख प्राइज मनी कर दी गई है अर्जुन अवार्ड की। ठीक है राजीव गांधी अवार्ड की प्राइज मनी कितनी है 25 लाख है। अदिति अशोक पहले फीमेल इंडियन गोल्फ प्लेयर बने ने इंडिया दे पहले फीमेल गोल्फ प्लेयर अदिति अशोक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स दे लई क्वालीफाई कर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग टॉप 100 कंट्रीज इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक। टॉप 100 कंट्रीज़ दे विचों स्टार्टअप ब्लिंक ने एक रैंकिंग जारी की टॉप 100 कंट्रीज़ दी किस रैंकिंग दे विच ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स कि जो स्टार्टअप्स ने डिफरेंट कह सकते हैं कि बिजनेस शुरू किए जाते हैं स्टार्टअप इन्हां दे विच इकोसिस्टम नूं ध्यान दे विच रखते हुए जो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं इस दे विच 100 कंट्रीज़ की रैंकिंग दे विचों इंडिया 90वें नंबर पर रही है इंडिया रही है 20वें नंबर इंडिया स्टूड एट 20th place। बेसिकली अगर गल करिए 2019 के रैंकिंग 17वें नंबर पर सी 2020 के 23वें नंबर पर चली गई सी और 2021 के दोबारा घट के 20 आ गई। ठीक है जी पहले नंबर पर कौन है पहले नंबर पर ओबियस है USA है सैकेंड नंबर पर UK है थर्ड नंबर पर इजराइल है। ठीक है जी इसी दे नाल सिर्फ इन्ना ही नहीं इसी रैंकिंग नूं अगर आप गल करिए सिटीज़ वाइज भी रिलीज़ किया गया एक कंट्री वाइज डिस्कस किया इंडिया 20वें नंबर पर है पहले नंबर पर USA है। उसी तरीके नाल अगर सिटीज़ वाइज इस रैंकिंग की गल करते हैं तो पहले नंबर पर सिटी है सैन फ्रांसिस्को USA की ही सिटी सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है जो यह दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर अगर आप गल करिए चाइना की सिटी बीजिंग है। ठीक है तो इसी दे विच इंडियन सिटीज़ भी इंपोर्टेंट बनगियाँ इंडियन सिटीज़ की अगर आप गल करते हैं तो इंडियन सिटीज़ दे विच पहले नंबर पर बेंगलोर है जो ओवरऑल इस लिस्ट दे विच 10वें नंबर पर उस तो बाद है न्यू दिल्ली 14वें नंबर पर है उस तो बाद है मुंबई 16वें नंबर पर। ठीक है जी तो याद रखांगे टोटल 25 सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है कंट्रीज़ के विचों टॉप 100 की लिस्ट जारी की गई है।
ठीक है। तो इंडिया दियाँ तीन सिटीज़ बेंगलोर 10वें नंबर पर, न्यू दिल्ली 14वें पर और मुंबई 16वें नंबर पर। और सिटीज़ के विचों सैन फ्रांसिस्को टॉप पर है, न्यूयॉर्क 2nd नंबर पर और बीजिंग 3rd नंबर पर। नेक्स्ट है 21 तुरारामी नामित किया गया 26/11 मार्टियर के नाम दिते तुराराम ओंबले। इट्स इज अ स्पीसीज ऑफ, बेसिकली की न्यूज़ की है कि एक स्पीसीज़ है जिसका नाम रखा गया 21 तुरारामी। एक नवी स्पीसीज़ पाई गई, उसका नाम 21 तुरारामी रखा गया। किन्ना दे नाम दे उत्ते तुराराम ओंबले, तुकाराम आएगा वैसे शायद, चलो मैं एक बार चेक कर लांगा। तुकाराम ओंबले कौन सीगे? तुकाराम ओंबले एक SI सीगे, सब इंस्पैक्टर सीगे, जिन्हों की डैथ हो गई सी 26/11 मार्टियर दे विच। 26/11 हर एक नूं याद होएगा, एक ऐसा इंसीडेंट इंडिया दे विच जो टैररिस्ट अटैक होया सी 26/11/2008 2008 दे विच, 26/11/2008 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक्स होए सी, जेड़े समथिंग टैररिस्ट की गल करते हैं, कसाब नाम का टैररिस्ट सीगा जिसने अटैक किया सी। और इस अटैक दे विच इन्हों की डैथ हो गई सी। इन्हों रिमैंबर करन दे लई, इन्हों ऑनर करन दे लई एक स्पाइडर का नाम, स्पाइडर स्पीसीज का नाम 21 तुकारामी रखा गया, ठीक है जी, ये याद रखा। नेक्स्ट जेरमी कैसल इज अपॉइंटेड एज ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस दे ग्रीवियंस ऑफिसर बनाए गए ने। बेसिकली की होया सी, IT रूल्स जारी किए गए सी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जेडे ये IT रूल्स ने इस दे अकॉर्डिंग हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नू एक ग्रीवियंस ऑफिसर इंडिया दे लिए अपॉइंट करने होंगे, ठीक है। और शर्त रखी गई सी कि जेडे वो अपॉइंट किए जाएंगे वह इंडियन ऑफिसर ही होने जरूरी ने, इंडियन परसन ही होने जरूरी ने, इंडियन सिटीजन ही होने जरूरी है। तो ट्विटर ने की करे जेरमी कैसल नू अपॉइंट कर दिता है, जो कि कैलिफोर्निया तो बिलोंग करते, ठीक है। पहले की होया कि ट्विटर ने रूल्स फॉलो करन तो मना कर दिता, हुण भी प्रॉपर तरीके नाल फॉलो नहीं किते। ग्रीवियंस ऑफिसर जरूर अपॉइंट किया गया लेकिन वह इंडियन सिटीजन नहीं है, इस करके भी इन्हां दे उत्ते दोबारा सैंक्शन लगाए जा सकते, ठीक है जी। ट्विटर के हेड की गल करते हैं जैक डॉर्सी ने, ये याद रखांगे। फेसबुक द्वारा स्पूर्थी प्रिया का नाम, स्पूर्थी प्रिया, और व्हाट्सएप द्वारा परेश बी लाल का नाम याद रखांगे। इन्होंने इन्हों अपना ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट कर दिता सी, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी, केड़ी स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वह वर्ल्ड का फर्स्ट फिजिकली डिसेबल एस्ट्रोनॉट शुरू करेंगे, लॉन्च करेंगे, ठीक है। कि बेसिकली डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स अगर आप गल करते हैं, इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स गए सी, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज ने, USA ने अपने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के विच भेजे, रशिया ने भेजे, ठीक है, चाइना ने गए हुए ने, जापान के गए हुए ने। तो हुण की है कि इन्होंने अनाउंस किया है कि जो स्पेस एजेंसी है साड़ी, असी की करांगे, असी फिजिकली डिसेबल वर्ल्ड का पहला फिजिकली डिसेबल्ड परसन एस्ट्रोनॉट के रूप के भेजा, ठीक है। तो वह किसने अनाउंस किया? यूरोप की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसनों अनाउंस किया, ठीक है। इसी के नाल याद रखांगे एक आप पहले भी डिस्कस किया सी, जो जेफ बेजोज़ ने एमाजोन के फाउंडर ने, यह भी दोबारा न्यूज़ के विच सीगे, इस मंथ के विच जुलाई चल रहा है, जुलाई के विच ही यह स्पेस के विच जाएंगे, और यह वर्ल्ड के पहले ऐसे परसन बनेंगे जो अपनी ही खुद दी स्पेस एजेंसी के थ्रू स्पेस के विच जाएंगे, ठीक है। अच्छा कमेंट बॉक्स के विच की दसने, जेफ बेजोस दी स्पेस एजेंसी का नाम दसने। आपां डिस्कस किया होया, आई थिंक लास्ट मंथ ही डिस्कस किया सी, जून के विच ही, जेफ बेजोस दी स्पेस एजेंसी का नाम की है, स्पेस मिशन का नाम की है। नेक्स्ट हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद कुवेंपू राष्ट्र पुरस्कार फॉर द ईयर ऑफ 2020। कुवेंपू राष्ट्र पुरस्कार किसने दिता गया, किसनों दिता गया यह अवार्ड? उड़ीसा ने दिता है, किसनों? डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा।
बेसिकली कुवेंपू ओडिशा के ही एक लिटरेचर परसन सके, राइटर सके। इन्हों के नाम के उत्ते ही पोइट सके, इन्हों के नाम के उत्ते ही इन एक अवार्ड शुरू किया गया। इस अवार्ड नूं दिता गया डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ठीक है जी, इस तो अलावा तीनों ऑप्शन न्यूज़ के विच ने काफ़ी डिटेल डिस्कस करांगे। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नवें वाइस चीफ बनाए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन ने, किसी ने कमेंट बॉक्स के विच नहीं दस्या। आर के सिंह भदौरिया ने, ठीक है, कल पूछे सी। इन्हों रिप्लेस करके विवेक राम चौधरी नवें वाइस चीफ बनाए जाएंगे हरजीत सिंह अरोड़ा रिप्लेस करके कौन बनाए जाएंगे, विवेक राम चौधरी। दीप्ति पिलै सिवान कौन ने, केरला तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड दिते। ये न्यूज़ काफ़ी इंट्रस्टिंग न्यूज़ है कि दीप्ति पिलै सिवान केरला तो बेसिकली वैसे केरला तो बिलोंग करते हैं लेकिन रेंदे अमेरिका दे विच ने, इन्होंने अवार्ड जीते है बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड। इस दे लई इन्होंने एक पिक्चर बनाई सी डी कोडिंग शंकर, तो बायोग्राफिकल फिल्म है यानी कि किसी की बायोग्राफी होएगी। बायोग्राफी है शंकर महादेवन एक सिंगर ने, काफ़ी अच्छे सिंगर ने। इन्हों के नाम के उत्ते मूवी बनाई सी डिकोडिंग शंकर मूवी के लिए इन्हों अवार्ड दिता गया है टोरंटो इंटरनेशनल वूमेन फिल्म फेस्टिवल के। ठीक है जी, मोना विश्वरूपा मोहंती उड़ीसा के एक आर्टिस्ट ने, इन्हों UAE गोल्डन वीज़ा दिता गया। UAE द्वारा गोल्डन वीज़ा का मतलब होंगे कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन तो अगले दस साल के लिए कदे भी UAE की विजिट कर सकते हैं। ये बेसिकली गोल्डन वीज़ा उन्होंने दिता जाता है जो कि कुछ सैलब्रिटीज़ वगैरह होंगे ने जो कि पॉपुलर होंगे ने किसी न किसी फील्ड के, किसी तरीके के आर्टिस्ट हो चाहे। तो इसी दे विच अपन नाम डिस्कस किया संजय दत्त का, याद होएगा कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, उन्होंने भी UAE का गोल्डन वीज़ा दिता गया। हुण मोना विश्वरूपा मोहंती कौन ने, एक आर्टिस्ट ने उड़ीसा के, इन्हों भी गोल्डन वीज़ा दिता गया। USA द्वारा इंडियन अमेरिकन अतुल कश्यप नू इंटैरिम एनवॉय बनाया इंडिया के लिए, इंटैरिम एम्बेसडर कह सकते हैं इंडिया के लिए बनाए गए ने अतुल कश्यप। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कदों की गई सी, क्वेश्चन है कदों की गई सी, तो 2020 के की गई सी। अगर एग्जैक्ट गल करते हैं तो अप्रैल 2020 की गई सी। बेसिकली इस स्कीम नू की किया गया न्यूज़ के विच एक्सटेंड कर दिता गया। ठीक है, की होया सी कि जदों अप्रैल 2020 इस नू लॉन्च किया गया सी तो यह जुलाई तक सी, जुलाई के खत्म होगी। जुलाई तो बाद इस फिर एक्सटेंड किया गया नवंबर तक के लिए। ठीक है, जून तक की गई सी, आई थिंक जून तो बाद नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिता गया नवंबर 2020 तो दोबारा इसनों अप्रैल 2021 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। अप्रैल 2021 तो जून तक के लिए एक्सटेंड किया गया सी, जून तो बाद दोबारा हुण इन्हां नूं नवंबर तक एक्सटेंड कर दिता गया। न्यूज़ दे विच है कि इसनों नवंबर 2021 दे तक के लिए एक्सटेंड कर दिता गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच कंट्री सस्पेंड 325 मिलियन कोवैक्सीन डील। बेसिकली एक कंट्री ने $325 मिलियन दी कोवैक्सीन जो कि कोविड वैक्सीन है इंडिया दे विच बनाई गई सी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई सी। इस दे लई एग्रीमेंट साइन किया सी इंडिया दे नाल और हुण इस नूं कैंसल कर दिता है, सस्पेंड कर दिता है ओवर एक्विजिशन ऑफ इरेगुलरिटीज़ कि इसकी पहुँचाण दे विच दिक्कतां ने, इरेगुलरिटीज़ ने जिस करके इसनों सस्पेंड किया जा रहा है। तो केड़ी कंट्री, ब्राज़ील दे प्रेसिडेंट का नाम है जैल बोलसोनारो, याद रखांगे। ठीक है जी, ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया है, करंसी इत्थे रियल चलती। इस तो अलावा दो न्यूज़ होर ने, WHO ने अनाउंस किया है कि चाइना द्वारा मलेरिया नू एलीमिनेट कर दिता गया, ख़त्म कर दिता गया। चाइना द्वारा मलेरिया नू एलीमिनेट कर दिता गया है 30 मिलियन केसिस तो जीरो लेके आया गया 70 साल के एफर्ट्स दे। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखेंगे कि कौन सी कंट्री रीसेंटली
ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ WHO। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚਾਈਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ। ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਡੇ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 25 April ਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, 2030 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ। ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਾਇਤੀ, ਮਾਲਟਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ। ਚਾਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਅਗਰ ਈਅਰ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। FATF 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, 39 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ FATF ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ FATF ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ G7 ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। FATF G7 ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਸਟਾਰਟਿਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ 5th ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ। 5ਵਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਕੁੰਦਨ ਕੁਲਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਜਾਂ UT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਕੁੰਦਨ ਕੁਲਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੰਦਨ ਕੁਲਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SI ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਰੈਸੋਤੋਮ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਟ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 1000 MWE। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 1000 MWE ਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1.20 crore ਰੁਪਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ, 1 crore ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ 75 lakh ਰੁਪਏ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਹੌਸਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਕੈਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ, ਵੂਮੈਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੇ ਅਕਰੋਸ 100 cities ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 cities ਦੀ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ ਬੇਸਡ ਵੈਲਨੈਸ ਬ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ। ਮੋਸਟ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਰਹੀ? 100th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੋਰਟਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ 97th ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ 97 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ?
रेकजैविक, रेकजैविक आइसलैंड दी, आइसलैंड दी सिटी है रेकजैविक, पहले नंबर पर रही है, कैपिटल भी है आइसलैंड दी। इस तो अलावा दूसरे नंबर पर बर्न, स्विट्जरलैंड दी बर्न सिटी, और तीसरे नंबर पर फिनलैंड दी, फिनलैंड दी कैपिटल हेलसिंकी रही। ठीक है जी, आज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होएगा, लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर कर दे रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।